एसीसीए का लॉ पेपर दे रहे हैं तो आपको कौन सा वेरियंट चूज करना चाहिए इंग्लिश या ग्लोबल गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग वेर एवर यू आर आई एम एसी से दिशा ड्रामा आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एसीए का लॉ पेपर दे रहे हैं तो आपको कौन सा वेरियंट चूज करना चाहिए इंग्लिश या ग्लोबल वैसे तो ये दोनों ही वेरिएंट काफी सिमिलर है इन टर्म्स की दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स हैं और दोनों के सिलेबस एरियाज काफी हद तक सेम है तो मेजर डिफरेंसेस क्या है इंग्लिश वेरिएंट में जो है आप पढ़ोगे यूके के लॉज एनीथिंग रिलेटेड टू यूके के लॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट लॉज एम्प्लॉयमेंट लॉज एवरीथिंग विल बी रिलेटेड टू योर यूके लेकिन जो आप ग्लोबल वेरिएंट में पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे विद रिगार्ड्स टू इंटरनेशनल लॉ क्योंकि ग्लोबल वेरिएंट इज नॉट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री तो आप इंटरनेशनल लॉज इंटरनेशनल रेगुलेशंस इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड पढ़ोगे एक तो है ये मेजर डिफरेंस दूसरा डिफरेंस ये है कि जो इंग्लिश वेरियंट है उसमें कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और ग्लोबल वेरियंट में आप इंटरनेशनल ट्रेड इंटरनेशनल रेगुलेशन डिटेल में पढ़ते हैं तो अब बात आ जाती है कि भाई कौन सा वेरिएंट चूज करें अगर आप यूके में रहते हैं या सिर्फ यूके में ही काम करने वाले हैं तब अफकोर्स आप इंग्लिश वेरिएंट चूज करिए लेकिन अगर आप दुनिया में और कहीं और हैं अपार्ट फ्रॉम द यूके देन यू शुड गो हैड एंड चूज द ग्लोबल वेरिएंट क्योंकि आपको इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन पता चलेगी सो सिंपल है बॉर्डर लाइन इज दैट इफ यू आर वर्किंग और प्लानिंग टू वर्क और लिविंग इन द यूके देन गो है चूज द इंग्लिश वेरियंट लेकिन अगर आपको ग्लोबली कहीं और वर्क करना है राइट right? किसी और कंट्री में वर्क करना है ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करना है तब आपको चूज करना चाहिए ग्लोबल वेरियंट क्योंकि आप इसमें इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ोगे सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स एंड अगर आपको कोई भी क्वेरीज है आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड वील हैप्पी टू टेक अप इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल This is the Shah Chauhan signing off.